हेलो स्पिरेंट्स, वेरी वॉम वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनलिस्ट आईएएस। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे यूपीएससी का प्रीलिम्स 2024 दे रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस कोई भी अगर डिफेंस का एग्जाम है, फॉर एग्जाम्पल अभी सीएपीएफ का एग्जाम आने वाला है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएएसआई या एसआई की जो पोस्ट हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस एआरओ और आरओ का जो एग्जाम अभी होने वाला है, दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर इट। प्लस कांस्टेबल के लिए भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे बीएसएफ के ज्यूरिडिक्शन या कहाँ से बनी क्या चीजें हैं, इससे रिलेटेड इक्वेशन है। क्यों न्यूज में है, स्टेट्स ने क्या इसके रीजंस उठाए हैं, इसके अलावा अलग अलग इसमें चीजें जो भी इंपॉर्टेंट है, वील बी कवरिंग इट। आफ्टर दैट यहाँ हम रिवाइज करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स यहाँ पर आते हैं रोल में। वी शुड नो द आर्टिकल्स, सो यहाँ से उनका रिविजन हो जाएगा इफ यू आर गिविंग द प्रीलिम्स ऑफ दिस ईयर। सो द थिंग इज वाई इन न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अब सुनने वाला है जो डिस्प्यूट है, एक्सपेंशन हुआ है बेसिकली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का पंजाब के ज्यूरिडिक्शन में। अलग अलग जगह हुआ है, जैसे पंजाब, वेस्ट बंगाल, आसाम में 2021 में ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से उसने नोटिफिकेशन इशू कर दी थी। अब इसको पंजाब गवर्नमेंट ने चैलेंज किया है दिसंबर में। तो ये पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि बीएसएफ के ज्यूरिडिक्शन में आएंगी सेंटर के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग। गुरदासपुर, अमृतसर, देन तारा तरन, फिरोजपुर, फजिलका, देन वी हैव पठानकोट, कपूरथला, मोगा, फरीदकोट एंड मुक्तसर, ये यहां पर आएंगे। इसके अलावा आएंगे तो प्रश्न उठता है कि स्टेट्स ने ऐसे कौन कौन से इश्यूज रेस किए हैं कि जो नहीं होने चाहिए। तो स्टेट ने ये कहा है कि जो बीएसएफ का जो ज्यूरिडिक्शन बढ़ाया है, ये स्टेट की जो एक्सक्लूसिव पावर होती है लेजिस्लेट करने की अपने स्टेट में, ये उसको एंक्रोच करता है। बिकॉज ये स्टेट जो लिस्ट होती है एज पर आर्टिकल 246 में, जो स्टेट लिस्ट बांटी जाती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें जो स्टेट लिस्ट है इसकी एंट्री वन जो है, विच इज बेसिकली पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, ये जो है ये स्टेट का सब्जेक्ट है, सेंटर इस पर कुछ नहीं कर सकता। अब ऑल द यूनियन गवर्नमेंट के पास भी एक लेजिस्लेटिव कैपेसिटी होती है, जो एंट्रीज वन है डिफेंस ऑफ इंडिया आर्म फोर्सेज, या एंट्रीज जो टू है उसकी सेंटर की लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में, उसमें आर्म फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो सकता है। अब बीएसएफ का ज्यूरिडिक्शन जो एक्सटेंड हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एरियाज में ओवरस्टेप किया है जहां पे स्टेट्स का पहले से ट्रेडिशनल अथॉरिटी थी, तो यहां पे ये चीज है। लेकिन स्टेट यहां कह रहे हैं कि यहां पे नॉन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म को खतरा है। जैसे कि यहां पे उन्होंने कहा है कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म को चैलेंज करता है, जो कि पावर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग और स्टेट गवर्नमेंट की अलग होती है, या ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस हैं। पंजाब में एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिटीज एंड टाउन्स हैं जो इस 50 किलोमीटर के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आ जाएंगे, वाइल गुजरात, राजस्थान में यही इलाके जो 50 किलोमीटर में आते थे, ये स्पार्शली पॉपुलेटेड है, प्राइमरली मार्शलैंड्स हैं या डेजर्ट्स हैं यहाँ पे, बट यहाँ ये हाईली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। ये जो ज्योग्राफिकल डिफरेंस है, ये वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स है जो कि इस ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंशन को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट सामने है, उसने कहा कि हमारे कुछ अपने कारण हैं ताकि हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी बीएसएफ की या और भी किसी चीज की यहां पे इंक्रीज कर सकें, जैसे कि पंजाब में ऑलरेडी ड्रग्स का प्रॉब्लम है, आर्म स्मगलिंग का प्रॉब्लम है, सिमिलरली आसाम, वेस्ट बंगाल के इलाकों में कैटल स्मगलिंग है, फेस करेंसी का स्मगलिंग है बांग्लादेश वाले इलाकों से, तो यहां ये इसको काउंटर करने में हेल्प करेगा। प्लस जो इलीगल यहां माइग्रेशन हो रहा है उसको काउंटर करने में हेल्प करेगा ये। इसके अलावा सिक्योरिटी चैलेंजेस जैसे कि ड्रोन्स हैं या अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिल जाते हैं, इनकी बहुत ज्यादा लॉन्ग रेंज कैपेसिटीज होती है, बहुत अंदर तक आ सकते हैं, तो आसानी से सर्वेलेंस हो पाएगी। आर्म्स की स्मगलिंग जो है, फेक करेंसी के, ये सारी चीजें इनको हम रोक पाएंगे। इसके अलावा बीएसएफ का जो ज्यूरिसडिक्शन है इसको यूनिफॉर्म करने की यहाँ पे बात की जा रही है, जैसे कि बीएसएफ का जो ज्यूरिसडिक्शन है ये सारे स्टेट्स के अलॉन्ग जो है वो यूनिफॉर्म हो जाए। 50 किलोमीटर की लिमिट यहां पे रखी जाएगी जो ऑलरेडी राजस्थान में प्लेस्ड है। इसके अलावा गुजरात का पहले जो ये ज्यूरिसडिक्शन था दैट वाज अराउंड 80 किलोमीटर, और इसी नोटिफिकेशन के हिसाब से इसको 50 किलोमीटर कर दिया है। तो ये इनका अपने तथ्य है कहने के लिए। अब यहां प्रश्न है कि जो सेंटर है इसने ऐसे कौन से लॉ से अथॉरिटी उठाई है या कौन से लॉ ये करते हैं, तो जो सेक्शन 139 है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट का, Which was of 1968, ये सेंटर को एम्पावर करता है कि किसी भी एरिया को नोटिफाई करते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं बॉर्डर फोर्स के ऑपरेशनल मैंडेट से। तो सेक्शन 139 के अंदर जितने भी ऑर्डर नोटिफिकेशन इशू होते हैं, इनको दोनों हाउसेस के आगे रखा जाता है, राज्यसभा एंड लोकसभा के आगे। उसके बाद यूजिंग दिस सेंटर जो है वो नोटिफिकेशन इशू करता है शेड्यूल को रिवाइज करते हुए, जो बॉर्डर स्ट्रेच होता है बीएसएफ का, ताकि सर्च की, सीजर की, अरेस्ट की पावर को अगर वो बढ़ा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट कैसे उसको एग्जामिन कर सकता है? देखिए, कोर्ट अब ये डिसाइड करेगा कि आर्टिकल जो 131 है, जो कि सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल जुरिसडिक्शन देता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये देखेगा कि क्या यहाँ आर्बिट्रेरीनेस है, कि वेदर जो डिसीजन है ये इम्पेटस है या फिर ये सब्सटेंशियल मोटिव्स पर सेंटर ने लिया है, पहला ये देखा जाएगा। इसके अलावा ये देखा जाएगा कि क्या ये सच में एंक्रोचमेंट है स्टेट की पावर्स का, अगर ये हुआ तो इसको खारिज कर दिया जाएगा। देन यहां देखा जाएगा कि जो बॉर्डर एरिया यहां पर आता है वो ये क्या मेरिट कंसिडरेशन के अंडर आता है, और ये क्या बीएसएफ का जुरिडिक्शन इन बॉर्डर एरियाज में होगा या नहीं होगा, तो ये यहां पे एक चीज आती है। इसके अलावा एक चीज और है जो सुप्रीम कोर्ट देखेगा, वो देखेगा कि क्या ये जो नया नोटिफिकेशन आया है क्या ये यूनिफॉर्मिटी शो करता है कि जैसे सारे स्टेट्स को यूनिफॉर्मली ट्रीट करता हो जुरिडिक्शन के मैटर पे। तो ये कुछ मैटर्स है जिनपे सुप्रीम कोर्ट देखेगा। अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या है, तो इसको बहुत जल्दी से देख लेते हैं एक बार, इसके बाद हम सेंटर स्टेट के रिलेशंस को एक बार रिवाइज करेंगे। तो सीएपीएफ जो होता है, इसके वन ऑफ जो सेवन इसके आर्म्स हैं, उसमें से जो एक है दैट इज योर बीएसएफ, एंड इसको दिसंबर 1965 में इसको बनाया गया था, जब 1965 की वॉर चल रही थी, ताकि जो बॉर्डर उनको सिक्योर किया जा सके। कि ये केवल ऐसा सीएपीएफ है जिसकी अपनी एक वाटर विंग है, एयर विंग है और बाकी एंसिलरी यूनिट है। इसका जो फोर्स हेडक्वार्टर है वो हमें दिल्ली में देखने को मिलता है। इसके अलावा ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है ये उसके अंडर यहां पे ये वर्क करता है। ये ऑपरेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसका लगभग लगभग जो आता है दैट इज अराउंड 6386.3 किलोमीटर तक का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है जो पाकिस्तान बांग्लादेश से हम शेयर करते हैं वो इसकी अथॉरिटी के अंदर आता है। ये जैसे पीस एंड टाइम रोल हो गए, जैसे ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स को रोकना है या अनऑथराइज एंट्रीज को रोकना है, एग्जिट एंट्री जो हो रही है टेरिटरी ऑफ इंडिया से, इलीगल एक्टिविटी है, स्मगलिंग इनको रोकना है, जब यहाँ वॉर होती है तब इनका यहाँ पे रोल देखने को मिल सकता है। पर्टिकुलरली जो एयर फील्ड्स होते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करते हैं। इनका जो एग्रेसिव एक्शन है ये बहुत लिमिटेड एग्रेसिव एग्रेशन है, जैसे कोई पैरामिलिट्री है, रेगुलर फोर्सेज है, एनिमी की जो आ रही है तो ये ओवरऑल उसको देखते हैं। इसके अलावा रिफ्यूजीज का जो इन्फ्लक्स होता है किसी भी कंट्री में ये उसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, यहाँ पे इनके चीजें हैं। इसके अलावा ओवरसीज डिप्लॉयमेंट भी होता है, जैसे बीएसएफ जो है वो यूएन मिशंस के लिए अपने पर्सनल्स को डिप्लॉय करती है हर साल। इसके अलावा ये जो है ये सिक्योरिटी इशू को हैंडल करती है, फेमस जो करतारपुर कॉरिडोर है वहां पे, बाकी रोल जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल पे वर्क करना जम्मू कश्मीर में, बाकी ऑपरेशनल कंट्रोल करना आर्मी के, एंड जब भी कोई नेचुरल कैलामिटी या डिजास्टर होता है भारत में तो बीएसएफ असिस्टेंट प्रोवाइड कराती है, जैसे कश्मीर फ्लड 2014 में जो आए थे उनके लिए, जैसे केरला फ्लड आए थे 2018 में उनके लिए, केदारनाथ आपदा आई थी 2013 में, तो वहां पे बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट किया जाता है किसी भी नेचुरल कैलामिटी के तौर पर। अब इसके अलावा ये अरेस्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं। बीएसएफ एम्पावर्ड है कि वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पासपोर्ट्स एक्ट जो 1967 का एक्ट है इसके तहत, या पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, या जो एनडीपीएस का एक्ट है इसके तहत ये लोगों को सर्च कर सकती है, सीज कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। ये यहां पे इसके जुरिसडिक्शन है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू पॉइंट एक बार देख लेते हैं। तो आर्टिकल जो 355 है, आर्टिकल 355 जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकती है किसी स्टेट को सेफगार्ड करने के लिए अगर एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस वहां पर हो रहा है, इवन ऐसे केसेस जहां पे स्टेट ने रिक्वेस्ट नहीं किया है कि हमें आपसे कोई असिस्टेंट नहीं चाहिए, तब भी सेंटर के पास पावर है कि वो यहां पे उनको भेज सकता है। अगर स्टेट अपोजिशन करता है कि हम आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय नहीं होने देंगे जो यूनियन ने भेजा है, तो सेंटर जो है ये फर्स्ट डायरेक्टिव इश्यूज करता है इसी आर्टिकल के अंदर 355 के अंदर उस स्टेट को, और अगर स्टेट तब भी कंप्लाई नहीं करता है तो फिर सेंटर के पास एक पावर होगी दैट इज आर्टिकल 356 जो कि प्रेसिडेंट्स रूल है। अब यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस रिलेटेड आते हैं, यू कैन रिवाइज देम और रीड देम फ्रॉम हियर। सो ये इनको तीन चीजों में बांटा जाता है, सबसे पहला लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव। लेजिस्लेटिव जो है ये आते हैं 245 आर्टिकल 255 इन दोनों के बीच में आते हैं, एंड ये पार्ट 11 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें आते हैं। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात करेंगे तो आर्टिकल 256 263 जो कि पार्ट 11 में आते हैं ये उसको गवर्न करते हैं। इसके अलावा जो फाइनेंशियल रिलेशंस हैं ये आर्टिकल 268 से आर्टिकल 293 जो कि पार्ट 12 का पार्ट है ये इसको गवर्न होता है। अब हम एक बार देख लेते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी जो लेजिस्लेटिव पावर से, जैसे आर्टिकल 11 है आर्टिकल 245 से 255 तक ये आता है, ये जो आर्टिकल है ये फेडरल नेचर दिखाता है, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी को बेसिकली ये डिवाइड करता है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, जिसमें दोनों ज्योग्राफिकल एरियाज और स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया जाता है। देन फर्दर डिवीजन जो है ये सेवेंथ शेड्यूल में देखने को मिलता है जो स्टेट्स को डिवाइड करता है आर्टिकल
46 हमने देखा था इससे रिलेटेड में, ये यूनियन लिस्ट जो है, स्टेट लिस्ट जो है, कॉन्करेंट लिस्ट जो है, इनको इसमें डिवाइड करता है। एंड इसके अलावा हाउएवर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं आर्टिकल 249 के अंदर, जो यूजुअल डिस्ट्रीब्यूशन होता है लेजिस्लेटिव पावर का, ये टेम्परली मॉडिफाई किया जा सकता है या इवन इसको सस्पेंड भी किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हमने देखा था 256 से 263 है आर्टिकल जो इसके अंदर आते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस से डील करते हैं सेंट्रल स्टेट्स के बीच में। फाइनेंशियल रिलेशंस 256 से 291 आते हैं, तो ओके दिस इज 268 टू 293 268 to 293 जो पार्ट 12 में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन से डील करते हैं फाइनेंशियल रिलेशन से, क्योंकि भारत एक फेडरल कंट्री है और ये डिवीजन ऑफ पावर्स पे बिलीव करता है जब भी टैक्सेशन का काम आता है, प्लस सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फंड्स एलोकेट करेगा अलग अलग स्टेट्स को। इमेजिन करिए आर्टिकल 131 क्या है, मैं आपको समझाता हूं कि सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट जज है एक कोर्ट रूम में, जहां पूरा इंडियन जो फेडरेशन है वो उसके चारों ओर बैठा है, तो अल्टीमेट जज इज द सुप्रीम कोर्ट। अब ये कोर्ट को स्पेशल पावर देता है कि जिसको ओरिजिनल जुरिसडिक्शन कहा जाता है, डिस्प्यूट जब भी बनते हैं अलग अलग पार्ट में, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी एक स्टेट के साथ या ज्यादा स्टेट के साथ कोई डिसएग्रीमेंट है, या अगर क्लैश है स्टेट स्टेट्स के बीच में, या सो दिस इज द केस। सिमिलरली अगर डिफरेंसेज हैं स्टेट्स के बीच में अपने इंटरेस्ट को लेकर के, जैसे वाटर राइट्स को लेकर के, ट्रेड बैरियर्स को लेकर के, कावेरी प्रोजेक्ट वगैरह देखते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की एक्सक्लूसिव अथॉरिटी होती है। हम अक्सर देखते हैं कि ये सारे मैटर जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहां मीडिएट करेगा और एक बाइंडिंग डिसीजन पर यहां पहुंचता है, जो सुप्रीम कोर्ट की यूनिक पावर है, बाकी कोई भी कोर्ट इसको नहीं ले सकता। तो इन स्पेसिफिक डिस्प्यूट्स में ये पहला स्टॉप होता है कोई भी रिजोल्यूशन सीक करने के लिए, और दिस इज द ओनली स्टॉप, इसके अलावा हम कहीं नहीं जा सकते, और कोई भी दूसरा कोर्ट जो है वो इन केसेस को नहीं ले सकता, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनल आर्बिट्रेटर है। तो रिमेंबर दिस, दैट इसका ओरिजिनल जुरिसडिक्शन आता है अंडर द आर्टिकल 131। नाउ वी हैव टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज बीएसएफ इज अ क्रूशियल सेंटर आर्म्ड पुलिस फोर्स ऑफ इंडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बीएसएफ इज नॉट ट्रू। इट वॉज रेज्ड इन 1965 आफ्टर द इंडो पाक वॉर टू सिक्योर इंडियाज बॉर्डर्स। इट हैज एक्सक्लूसिव ऑपरेशनल कंट्रोल ओवर 6386 किलोमीटर ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। It solely handles security of Kartarpur corridor, pilgrim route. Its primary peacetime roles include preventing transborder crime, smuggling, illegal entry. So you can type the answer in the comment section. They are related, if I cannot, then we have today's next prelims practice question. The question asks you, which of the following statements about the constitutional provisions related to the center-state relations is incorrect? Article 245, 255, Article 256 to 263, 268 to 93, Article 131. So you can pause the video here, you can read it from here, and you can type that in the comment section. Now we have today's main practice question. The question says that India's federal structure thrives on a complex interplay between the center and the states. While the constitution delineates powers and responsibilities, the dynamic of center-state relations has witnessed both collaborative phases and periods of friction. Critically analyze the current challenges faced in the center-state relations and propose concrete solutions to foster a more cooperative and efficient federalism. So you can write it in 250 words. So this was all about today's video and session. I hope you understood it very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned within List IAS for your better preparation.